हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक प्रीवियस क्लासेस से हम इंस्ट्रक्शन से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम अरिथमेटिक ग्रुप स्टडी कर रहे थे और आपको आइडिया है कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट प्रीवियस क्लासेस में हमने एडिशन और इंक्रीमेंट से रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शन हम स्टडी कर चुके हैं आज हम देखने वाले हैं सब और डिक्रीमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन So guys, आप इसके बारे में भी अवेयर हैं कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और है, मीन्स है. है. मुझे आपको ये बताना है कि जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जो वो रिजल्ट जनरेट होगा वो एक्मलेटर में स्टोर होगा यानी कि हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे भी फिक्स रहने वाला है और वो एक्मलेटर रहने वाला है ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है अब एडिशन करते समय रिजल्ट एक्मलेटर

वो जस्ट आपको गिवन रहेंगे इंस्ट्रक्शन के अंदर और जो भी दिया रहेगा वो एक्टर में से माइनस होगा और एक्मलेटर में स्टोर होगा तो सेकंड ऑपरेंट रह सकता है तो गाई इन जगह पे रह सकता है वो आइदर रजिस्टर में हो सकता है किसी Either वो किसी मेमोरी लोकेशन में हो सकता है या इट वो इमीडिएट डेटा हो सकता है जो इंस्ट्रक्शन में आया है सो so, इन जगह पे हमारा सेकंड ऑपरेंट रहेगा जो एक्मलेटर में से माइनस होगा ओके okay, गाइज तो मेरे ख्याल से एडिशन जिनको आती है सब ट्रैक्शन उनके लिए भी इजी है और इसका असर ऑफकोर्स फ्लैग के ऊपर होने वाला है तो दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैग्स तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन गाइज तो चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के तरफ तो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन का नाम है एस यू बी आर नाम से ही पता चलता है ना गाइज ये क्या करने वाला है सब्ट्रैक्शन करने वाला है तो एज यूजल हमें यहाँ पे डिटेल्स लिखनी है जैसे कि ग्रुप ऑफकोर्स ग्रुप अरिथमेटिक रहेगा एड्रेसिंग मोड हम फाइंड करते गए इस इक्वेशन से इसके बाद जो लेंथ रहने वाली वो वन बाय टी रहने वाली कोई कोई डेटा वगैरह यहाँ पे आया ही नहीं है इंटेक्स में और अब देखते हैं फॉर्मेट वो यही सबसे तो इंपॉर्टेंट है रिजल्ट स्टोर होने वाला है एक्मलेटर में वो फिक्स है अब रही बात कौन किससे सब्ट्रेक्ट होने वाला है तो आर गिवन है ना क्या आर रजिस्टर है तो आर के कंटेंट एक्मलेटर में से माइनस होते हैं और अगेन एक्टर में जाके स्टोर हो जाते हैं फॉर्मेट है। में सभी के सभी रजिस्टर है इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर है रही बात आपको तीन पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखना है तो लिखो गाइज अदरवाइज जस्ट फॉर्मेट को एक्सप्लेन करो और सिंपल सिंपल तो सेंटेंस है कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर इज सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम द

तो अब इस सिंटैक्स के कितने इंस्ट्रक्शन बनेंगे जितने हमारे यहाँ पे रजिस्टर है उतने तो एस यू बी ए रह सकता है बी रह सकता है सी डी ई एच और एल तो इसके सेवन इंस्ट्रक्शन बनते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में वन मार्क के लिए आया तो इस साइड में जो लिखा है ना उसके ऊपर आपको हाफ मार्क मिल गए और आपको पता है कि जो बाकी के हाफ मार्क्स होते हैं वो आपको एग्जाम्पल से मिलते हैं तो यहां से एक एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लेते हैं हम जैसे कि एस यू बी बी ओके okay, आपको भी इसे एक्सप्लेन करके बताना यानी कि वैल्यू पुट करके बताना है और वैल्यू कौन लेता है कंडीशन होती गई सब्ट्रेक्शन कब पॉसिबल होता है जब फर्स्ट नंबर बड़ा होता है दूसरे नंबर से तो आप एजम्स करते समय केयरफुली पहला नंबर बड़ा लेना दूसरा नंबर छोटा रखना ताकि नॉर्मल सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सके अगर आप ऐसा उल्टा करते हैं तो फिर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट

अलग से पूछे जाते हैं तो वहां पे हो सकता है कि निगेटिव आंसर आ रहा होगा तो वहां पे आपको उसे टूज कॉम्प्लीमेंट से करना पड़ सकता है बट मैं इसे नॉर्मल मेथड से कर रहा हूं जो हमारे एट रूल है ना उसका मैं यूज कर रहा हूं वन माइनस वन जीरो जीरो में से वन माइनस हो सकता है क्या नहीं तो आपने यहां पे बारो लिया है तो टू माइनस वन कितना होता है वन होता है एज अ कैरी करके आपने उसे वापस कर दिया अगेन आपको यहाँ पे बारो लिखना पड़ेगा तो टू माइनस टू कितना होगा जीरो आपने कैरी वापस की तो वन में से टू माइनस हो सकता है क्या नहीं आपने वन यहाँ पे बारो लिया तो थ्री माइनस टू कितना होता है वन आपने वन वापस

और वैसा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है निगेटिव वाला करना रहा तो टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करना पड़ेगा तो देखो इसका आंसर हम गेस कर पा रहे थे क्या नहीं तो अब इसे आप कन्वर्ट कर दो देखो ये है ए ए है एट तो इन दोनों का सब्ट्रेक्शन का रिजल्ट मिलता है आपको एट एच और फाइनल रिजल्ट कहां पे स्टोर होता है गाइज आपको पता है एक्टर में स्टोर होता है तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था आप चाहे तो ऐसा एग्जाम्पल आप एग्जाम में ले सकते हैं बट आपको बड़े नंबर का सब्ट्रेक्शन आना चाहिए गाइज ये थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि इसके बाद मैं जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं छोटे नंबर के ही ले रहा हूं आपको पता है कि छोटे नंबर जब हम लेते हैं ऐसा a इक्वल टू जीरो टू बीज इक्वल टू जीरो वन सब ट्रैक्शन करते समय रिजल्ट हमें पहले से एडवांस में पता रहता है तो गलत होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं तो ऑफकोर्स आप लिखोगे अब यहाँ पे आफ्टर एस यू बी बी और ए में से बी माइनस करोगे टू में से वन माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आता है ऑफकोर्स आने वाला है आपको पहले से पता है बस प्रोसीजर यहाँ पे दिखा देने की इसे कन्वर्ट कर दो दोनों को और इस वन को भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो ना क्या फर्क पड़ता है तो बस इसे आपने देन एक्टिस में कन्वर्ट कर लिया और अल्टीमेटली आंसर पे स्टोर हो गया एक्मलेटर में स्टोर हो गया तो मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में ऐसे छोटे एग्जाम्पल लो जिससे हंड्रेड हम श्योर रहे कि हमने जो परफॉर्म किया है वो करेक्ट है ओके okay, गाइज बाकी आप लोग समझदार हो अगर ये इंस्ट्रक्शन समझा है तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी इंस्ट्रक्शन आपके लिए डिफिकल्ट होंगे फिर भी हम उसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन है गाइज एस यू बी एम आर गिवन था अब एम गिवन है चलो इसका हम ग्रुप देख लेते हैं अरिथमेटिक रहेगा एड्रेसिंग मोड आपको पता है कौन सा रहेगा गाइज ऑफ कोर्स रजिस्टर इनडायरेक्ट रहेगा फिर भी मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा वन बाइट इंस्ट्रक्शन रहने वाला है और फॉर्मेट देखो एक्मलेटर में आंसर स्टोर होने वाला है और वो चीज जो माइनस होने वाली है उसका एड्रेस इनडायरेक्टली आपको कहाँ पे दिया है रजिस्टर में दिया है ये जो है सिम्बॉल यही हमारा एम है और आप जानते हैं इज 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 एम एम द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस गिवन इन रजिस्टर और उसके कंटेंट किस में से माइनस हो रहे हैं ए में से माइनस हो रहे हैं और ए में जाके स्टोर हो रहे हैं तो आपको इनडायरेक्ट एड्रेस दिया है रजिस्टर पेयर में इसलिए इसका एड्रेस ही मोड होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मुझे अब आगे ऐसी चीजें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए गाइस इतना तो आपको अभी तक समझ गया ही होगा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है वो भी लिख देते हैं द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एड्रेस इज इज गिवन इन रजिस्टर हुए फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एक्मलेटर ऑफकोर्स रिजल्ट इज गोइंग टू प्लेस इन एक्मलेटर क्या फ्लैग अफेक्ट होंगे यस गाइज ऑल द फ्लैग्स आर गोइंग टू अफेक्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल कितने एग्जाम्पल बनते हैं गए जिसके ओनली वन एग्जाम्पल बनता है और वो खुद हमारा सिंटेक्स ही होता है लेट आपको चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी देखो अब मैंने ए की वैल्यू ली है जीरो थ्री अब क्या यहाँ एम इज इक्वल टू समथिंग लिख दे ऐसा नहीं करना है आपको एम बनाना पड़ता है वट इज एम एम इज द वन ऑफ द मेमोरी लोकेशन बट विच लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन इन रजिस्टर पेयर तो देखो मैंने इस लोकेशन का एड्रेस एच पेयर में स्टोर कर दिया है पॉइंट करने लगता है और ये लोकेशन बन जाता है हमारा एम ओके okay. तो एम के कंटेंट मतलब कौन गए जीरो टू एच तो उसी को माइनस करना है तो लिख देंगे हम आफ्टर एस यू बी एम ए में से डेटा ये माइनस होगा जीरो थ्री है जीरो टू है आपको आंसर पहले से एडवांस में पता है सो so, इसे हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट बाइनरी में मैंने दोनों नंबर बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए और एज पर रूल मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है हम चाहें तो इसे टूस कॉम्प्लीमेंट से बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो गैस बिल्कुल आपका वेलकम है आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट है उसे कन्वर्ट कर दो तो हमारा जीरो वन रिजल्ट आया है और कहाँ पे स्टोर होने वाला है एक्मलेटर में स्टोर होने वाला है दैट्स इट गाइज ऐसा इंस्ट्रक्शन आता है एग्जाम में तो आपको इसको लिखना आना चाहिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ और वो कैसा रहेगा हम वो देखते हैं हमने एस यू बी आर देखा एस यू बी एम देखा तो बचता क्या है गाइज एस यूबी डेटा जब इंस्ट्रक्शन में डेटा आता है तो आपको पता है इंस्ट्रक्शन में आय आता है तो इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है देखो गाइज मैंने क्या किया है एस यू आर एस यू बी का एस यू आई कर दिया है क्योंकि आय इस डेटा को रिप्रेजेंट करता है ऑफकोर्स गाइस डेटा 8 बिट का ही रहने वाला है चलो इसकी डिटेल्स जान लेते हैं इसका ग्रुप ऑफ कोर्स अरिथमेटिक रहने वाला है एड्रेसिंग मोड इमीडिएट क्योंकि आय है डेटा है लेंथ पे बाइट रहने वाली है हम कैलकुलेट करके बताएंगे और फॉर्मेट देखो ए में आंसर स्टोर होगा ए में से माइनस होगा क्या माइनस होता है चलो टेक्निकली देख लेते हैं एस यू आई एट बिट डेटा डेटा की रेंज भी आपको पता है गाइज ये होती है ये हमारी फर्स्ट बाइट होती है हमारी सेकंड बाइट होती है टोटल कितनी बाइट होगी टू इसलिए हमारी लेंथ कितनी होगी टू बाइट और ये बाइट टू जो पोजीशन है ना वही माइनस होती है एक्मलेटर में से बस एक्सप्लेनेशन लिख देंगे

डेटा डिफरेंट आ सकता है बट डेटा डिफरेंट आने से इंस्ट्रक्शन डिफरेंट नहीं बनते हैं इंस्ट्रक्शन हमारा एस यू आई है बस मैंने डेटा पे जीरो है तो आपको अब आप किसकी वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी आपको जस्ट एक्टर की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी इससे सिंपल और कोई आप ले नहीं सकते हैं मैंने एक्मलेटर भी जीरो थ्री लिया है और हमारा जो डेटा है वो भी जीरो थ्री लिया है तो इसका सब्ट्रेक्शन करोगे तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है जीरो मिलने वाला है तो ऐसा भी आप एग्जाम में कर सकते हैं तो आफ्टर एस यू आई ए में से ये बाइट टू हमारी माइनस होंगी थ्री में से थ्री गया तो

तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ तो वो कैसे डिराइव हुए इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन वो वो भी हम देख लेते हैं देखो हमारा जो नेक्स्ट है वो इसी से इंस्पायर है बस अच्छे से देखो एस यू बी आर ग्रुप क्या रहने वाला है अरिथमेटिक एड्रेसिंग मोड रजिस्टर ही रहने वाला है इसके बाद लेंथ वन बाईटी होती है और आपको तो पता है ये फॉर्मेट ए में से आर के कंटेंट माइनस होते हैं और एकूमलेटर में स्टोर होते हैं ये हमारा एस यूबीआर है बट अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ आर के साथ साथ मैंने यहाँ पे क्यारी फ्लैग के कंटेंट भी लिए हैं और आपको पता है ना गई कैरी में क्या आ सकता है या तो जीरो, या तो तो रह सकता है तो जहां पे मल्टी लेवल है या फिर बिट का है उस, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है जैसे डबल एडिशन वाला इंस्ट्रक्शन है ना जो सिक्सटीन बिट की एडिशन कर सकता है वैसा यहाँ पे नहीं है कि आपको सिक्सटीन बिट का सब्ट्रैक्शन करना हो तो इंस्ट्रक्शन एटी में अवेलेबल नहीं है फिर भी वैसा सब्ट्रेक्शन तो हो सकता है ना तो उसके लिए आपको लेवल बाय लेवल सब्ट्रेक्शन करना पड़ता है 16 बिट के नंबर को आपको स्प्लिट करना पड़ता है पहले आपको लोअर बैट का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है देन हाइयर बैट का सब्ट्रेक्शन करना पड़ता है तो हो सकता है कि फर्स्ट लेवल में बारो जनरेट हुआ हो सब्ट्रेक्शन में और पता है बारो को ही सब्ट्रेक्शन में क्यारी बोलते हैं पहले लेवल में जो बारो जनरेट हुआ है वो भी तो आपको नेक्स्ट लेवल से माइनस करना पड़ेगा ना इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस क्यारी लिखा है ये जो क्यारी है सब्ट्रैक्शन में बारह का काम करती है और हमारे यहाँ पे इस एडिशन में वो कैरी रहती है बस इसलिए यहाँ पे कोई अलग फ्लैग नहीं अफेक्ट होने वाला क्यार ही रहने वाला है तो अब यहाँ पे कैरी आया है सब में बारह होता है तो इंस्ट्रक्शन में आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ना हमने एड में सी लेके आए थे याद है यहां देखे इंस्ट्रक्शन बना था यहाँ पे भी वैसा ही होता है बस यहाँ पे बी आता है तो आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एस बी बी यहाँ पे जो एक बी है ना वो किस रिप्रेजेंट करता है ये बी लास्ट वाला बारो को रिप्रेजेंट करता है यानी अल्टीमेटली क्यारी को ही रिप्रेजेंट करता है इतना आप ध्यान में रखना नहीं तो एस बी सी वगैरह लिख दोगे क्यारी नहीं लिखना है यहाँ पे वो क्यारी मतलब यहाँ पे बारो ही होता है बाकी सब कुछ गए सेम है आपको वो इंस्ट्रक्शन समझे तो ये कोई इंस्ट्रक्शन बड़ी बात नहीं है जैसे कि द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर

अब रही बात एग्जाम्पल लेना है और आप और अब तक तो आपको आइडिया है कि नंबर थोड़े से छोटे लिए तो बेटर रहेगा तो मैंने यहाँ पे जीरो टू लिया है अब क्या सब्ट्रैक्शन एकदम से कर दे क्या नहीं गाइज आपको कैरी के कंटेंट भी लिखने हैं तो जस्ट मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है आप चाहे तो यहाँ पे वन भी लिख सकते हो तो इसके बाद मैसेज लिखेंगे आफ्टर एस बी 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 है ना गाइज हर बी का अलग अलग मतलब है ये वाला बी हमारा बारो है ये वाला भी सब्ट्रैक्शन का बी है और ये वाला बी हमारा रजिस्टर है तो ये भी आपको समझना चाहिए बस आफ्टर एसबीबीबी हमने ए में से बी और कैरी के कंटेंट माइनस कर रहे हैं हम 02 01 0 और आपको एडवांस में पहले से रिजल्ट पता है 01 आने वाला है फिर भी बाय प्रोसीजर 4 बिट में कन्वर्ट करूं कैरी बिट को कन्वर्ट नहीं करना है अपने आप में बिट ही है जिसके पीछे आपको एच भी नहीं लगाना है ये भी आपको ध्यान में रखना है और रूल के हिसाब से आपने यहाँ पे सब्ट्रेक्शन परफॉर्म करके बता दिया है तो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है ये जो हमारा रिजल्ट जनरेट हुआ है जीरो वन एच एकटर में जाके स्टोर हो गया है तो ये था हमारा एस बी बी आर वाला इंस्ट्रक्शन अगर ये समझा है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा क्या एस बी बी एम ही रहेगा ना तो वो इंस्ट्रक्शन भी हम देख लेते हैं कैसे डिराइव हुआ है करके जैसे कि एस यू बी एम से वो डिराइव हुआ है तो ग्रुप अरिथमेटिक एड्रेस मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट लेंथ बाइट देखो अरिथमेटिकुमलेटर में से ये मेमोरी के कंटेंट माइनस हो रहे हैं बट साथ में जो बारो जनरेट हुआ है प्रीवियस सब्ट्रैक्शन में वो भी आपको माइनस करना है बस बारो को हम कैरी से रिप्रेजेंट करते हैं इतना आपको ध्यान में रखना है सो so, कैरी को हम इस इंस्ट्रक्शन में एज अ बी करके लेके आएंगे तो इंस्ट्रक्शन हमारा बन जाएगा एस बी बी एम तो वर्डिंग क्या बहुत

लेट ए इज इक्वल टू जीरो थ्री एच सबसे पहले आपको एम बना के बताना पड़ेगा मैंने एम बना के बता दिया और आपको क्या रीके कंटेंट बताने पड़ेंगे तो मैंने यहाँ पे वन लिया है तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हो गए देखो जीरो थ्री माइनस टू माइनस वन यानी कि आंसर हमारा जीरो आने वाला है लिख देंगे आफ्टर एस बी बी एम एम से मेमोरी के कंटेंट माइनस हो रहे विद द बिट एंड माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा बट बाय प्रोसीजर आपको करके बताना है तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में और आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारा जीरो आया है कन्वर्ट कर दो वापस डेसिमल में और एक्टर में इसे स्टोर कर दो तो दैट्स इट गाइज ये है हमारा छोटा सा इंस्ट्रक्शन एस बी बी एम सो एग्जाम में ये आए तो आपको इसको लिखना आना चाहिए जनरली वन मार्क के लिए आते हैं और लकी रहे तो ये सेम जितना दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर वो थ्री मार्क के लिए भी आ सकता है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के तरफ ऑफकोर्स आर हो गया एम हो गया तो अब एम की जगह डेटा रहने वाला है तो वो कैसे डिराइव हुआ है वो भी हम देखेंगे हमारा ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन एस यू भी डेटा था डेटा आया था तो हमने उसे बनाया था एस यू आर ओके पहले उसी के बारे में देख लेते हैं ग्रुप रहेगा अरिथमेटिक एड्रेसिंग मोड रहेगा इमीडिएट लेंथ रहेगी टू बाइट और देखो ए में से बाइटू माइनस हो रही है अब अब कौन माइनस करने वाले गाइज हम क्या बिट माइनस करने वाले हैं यानी बारो है तो इंस्ट्रक्शन में बी आएगा तो बी आएगा तो एक लेटर गायब करना पड़ेगा ना आपको अगर आय को बी से रिप्लेस कर देते तो इंस्ट्रक्शन बन जाता है फिर से B, ऐसा तो हो नहीं सकता है आय तो रहना चाहिए तो फिर किसे आपको हटाना पड़ेगा यू को हटा दो गाइज और इंस्ट्रक्शन बन जाता है एस बी आई तो अभी कैसे अभी हम सिर्फ सब्ट के इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है जब एग्जाम में आता है ना तो कन्फ्यूजन आ जाता है कि इसमें बारो है या नहीं है क्योंकि सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग में भी तो बी है ये बी सब्टशन का तो नहीं है ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है तो आपको डेरिवेशन बराबर याद रहना चाहिए कौन किससे इंस्पायर होकर प्रॉपर तरीके से वो बन रहा है तो जब आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना एक ब्लैंक पेपर के ऊपर जब आप पूरे इंस्ट्रक्शन लिखोगे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन रहते हैं तब ये इंस्ट्रक्शन आपको याद हो जाते हैं वर्डिंग वगैरह गाइज बहुत सिंपल है द कंटेंट ऑफ बाई टू ऑफ द इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग कैरी बेट इज सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एक्मलेटर एंडल्ट इज प्लेस इन दुमलेटर ऑल द फ्लैग्स आर गोइंग टू अफेक्टेड थोड़ा सा इसका डिटेल देख लिया जाए तो आपको पता है ये डेटा एट बिट का डेटा है डेटा की रेंज आपको पता है बाइट वन पता है बाइट टू पता है दो बाइट है इसलिए तो इसकी लेंथ ले बाइट हुई है और ये जो पोजीशन है एट बिट डेटा की वो सेकंड बाइट के ऊपर होती है और वही बाइट तो यहाँ से माइनस होती है एग्जाम्पल तो ले लो आप तो एस बी आई मैंने जीरो फोर एच लिया आपको अब दो अजम्पशन करने पड़ेंगे जैसे कि ए में जीरो फाइव ए स्टोर है और कैरी में जीरो स्टोर है ऐसा बोल दो आप वन भी ले सकते हो गाइस यहाँ पे सो so, आपको पहले से एडवांस में रिजल्ट पता है जीरो फाइव माइनस फोर माइनस जीरो वन होने वाला है सो आफ्टर एस बी आई जीरो फोर एच बाइट टू अलोंग विद्यारी बिट ए में से माइनस होगा एम ए स्टोर है जीरो फाइव जीरो फोर एंड जीरो कैरी लिया हमने एंसर एडवांस में पता है जीरो वन आने वाला है बट बाय द प्रोसीजर अगर हम जाते हैं तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा कन्वर्ट कर दो एक्साइड एसिमल में और आपको पता है कि आंसर कहाँ पे स्टोर होता है एक्मलेटर में स्टोर होता है सो so गाइज ये हो गए हमारे सिक्स इंस्ट्रक्शन सब्ट्रेक्शन के और इतने ही हैं सिक्सटीन बिट के सब्ट्रेक्शन का इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है ये हमेशा ध्यान में रखना अगर करना भी रहा तो इन्हीं छः इंस्ट्रक्शन का आपको यूज करना पड़ सकता है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ गाइज और बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन होने वाला है इंस्ट्रक्शन का नाम है डी

और आर में ही स्टोर होता है ठीक है लिख देंगे इसका एक्सप्लेनेशन दिस इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर बाय वन आर क्या रह सकता है मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है आपको सबको पता है सो so, क्या इस इंस्ट्रक्शन से फ्लैग अफेक्ट होते हैं येस गाइस सभी फ्लैग अफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट कैरी फ्लैग तो कैरी फ्लैग अफेक्ट क्यों नहीं होता है इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ाते समय क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है ना ये सर्कुलर ऑर्डर में होता है जैसे हमारे डेज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है ना कह तो आपको आइडिया है ना कि डेज सिर्फ सेवन होते हैं तो अगर आप सैटरडे को इंक्रीमेंट करोगे तो आपको संडे मिलता है ओके गाइज और देखो आपने अगर मंडे को डिक्रीमेंट किया तो भी संडे मिलता है यानी अल्टीमेटली मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप ई एफ ई एफ को अगर आप इंक्रीमेंट करते हैं तो आपको एफ एफ मिलता है ही अगर आप जीरो जीरो को डिक्रीमेंट करते हैं ना गाइज वन से तो आपको स्टिल एफ एफ मिलता है क्योंकि सर्कुलर ऑर्डर में ये घूमते हैं नंबर ओके अब बोलेंगे सर ऐसा क्यूब ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर फिक्स है ना गई एट बिट के नंबर की रेंज फिक्स रहेंगे ना जीरो जीरो से लेकर एच एच तक जैसे हमारे डेज फिक्स है ना गएस मंडे से लेकर संडे तक संडे के बाद अगेन मंडे शुरू हो जाता है तो वैसा ही कुछ यहां पे है ठीक है एट बिट के नंबर है इसके वजह से ऐसा कुछ होता है और फिर भी आपको नहीं किया माइनस में रिजल्ट चाहिए तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो आपको रिजल्ट माइनस में मिलेगा बट डिक्रीमेंट से आपको माइनस में रिजल्ट कभी नहीं मिलता है थोड़ा सा आप ध्यान में रखना इसे तो इसके कितने एग्जाम्पल बनेंगे गाइज जितने हमारे रजिस्टर हैं एग्जाम्पल बनेंगे कोई भी एक आप एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं मैंने यहां पे डीसीआर सी चूज किया है तो आपको बस एक अजम्पन करना है छोटा सा मैंने लेट सी के कंटेंट जीरो एट लिए हैं और आफ्टर डी सी आर सी सी में से वन माइनस हो गया है तो 0, में से वन माइनस करो आप चाहे तो वन को भी यहां पे एच लगा सकते हो बट मत लगाओ ये अच्छा दिखता है और आपको एडवांस में पहले से आंसर पता है कि जीरो सेवन आने वाला है तो इसको फोर बिट में कन्वर्ट करो और इसलिए मैंने कहा है कि इसके पीछे एच मत लगाओ नहीं तो आपको यहाँ पे भी उसे कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा एज अ बिट समझो ना इसी का तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए भी क्योंकि आपको पहले से एडवांस पता था इसे कन्वर्ट कर दो और बस एक गलती नहीं करना है आपको कि यहाँ पे मैंने सी लिखा है तो सो so रिजल्ट यहाँ पे सी में स्टोर होगा नहीं तो पता है हम फ्लो में यहाँ पे एक्मलेटर लिख के आएंगे यहाँ पे एक्मलेटर तभी आ सक अगर सी की जगह ए होता तो और पता है गाइज इसका इफेक्ट मतलब कि यहाँ पे सभी फ्लैग इफेक्ट होते हैं आपको पता है कैरी नहीं होता है, ये भी पता है बट जीरो फ्लैग अफेक्ट होता है इससे अगर इस डिक्रीमेंट का आंसर जीरो जीरो आता तो जीरो फ्लैग स्टील अफेक्ट होता है सिर्फ एकटर के वजह से जीरो फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है बल्कि ऐसे इंस्ट्रक्शन से भी होता है है ये आपको ध्यान में रखना प्रोग्रामिंग में ये चीज आपको काम में आएंगी बढ़ते हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ वो भी बहुत आसान होने वाला है गई डी सी आर आर था तो डीसीआर एम भी हो सकता है तो बस लिख देंगे उसके बारे में ग्रुप अरिथमेटिक है एड्रेसिंग मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट रहने वाला है लेंथ वन बाइट रहने वाली है इसके कंटेंट मेमोरी के कंटेंट बट कौन सी मेमोरी जिसके एड्रेस में में दिया है वन से माइनस करो पे पे करो। और उसी जगह पे पे स्टोर अल्टीमेटली आपने एम की वैल्यू वन से डिक्रीमेंट की है एक्सप्लेनेशन लिख देंगे दिस इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर एच एल बाय वन एक से डिक्रीमेंट होता है ऑल फ्लैग्स आर गोइंग टू अफेक्ट एक्सेप्ट कैरिफ्लाइक और आपको रीजन पता है कितने एग्जाम्पल बनते हैं एक ही एग्जाम्पल बनता है जस्ट आपको एम बनाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से अब अवेयर है मैं नहीं बताऊंगा गाइज एम कैसे बनता है तो आफ्टर डी सी आर एम मेमोरी के कंटेंट में से वन माइनस कर दो जीरो टू में से वन गया तो वन रहता है बाय प्रोसीजर जाओ और यहाँ पे रिजल्ट ऐसा लिखो और अब अगेन मिस्टेक नहीं करनी है कि पता चला कि ये जो मैंने रिजल्ट कन्वर्ट किया है ज़ीरो वन उसे एक्ूमेटर में लिख दिया नहीं तो आप ये डायग्राम फिर से बनानी है एम के कंटेंट डिक्रीमेंट हुए हैं तो एम आपने फिर से ऐसा बना दिया गया और देखो ये जो मैंने ब्लैंक जगह रखी है वहाँ पर आपको पुट करना है जीरो वन यहाँ डेस्टिनेशन रिजल्ट का एम है प्रीवियस इसमें आर था थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान में रखना तो क्या डी डेटा इंस्ट्रक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है इसका रीजन भी आपको पता है डेस्टिनेशन कभी भी डेटा नहीं हो सकता है वो आयदर रजिस्टर रहता है या फिर लोकेशन रहता है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के तरफ और इंस्ट्रक्शन देखो किससे इंस्पायर है डी सी आर आर से ये इंस्पायर है मैंने आर को रिप्लेस कर दिया आरपी से और आपको तो पता ही है अगर इंस्ट्रक्शन में आरपी आता है तो इंस्ट्रक्शन में एक्सपी आता है ओके एक्स ही तो रिप्रेजेंट करता है ना गाइस कि जो आया है रजिस्टर वो अकेला नहीं है

और आरपी में जाके ही स्टोर रहेगा दैट्स इट इसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे सिंपल है दिस इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर आरपी बाय वन एक से डिक्रीमेंट होता है और आरपी क्या क्या रह सकती है रजिस्टर पेयर इसके जगह पे जस्ट बी लिखा होता है उसका मतलब बी एंड सी होता है डी हो सकता है एच हो सकता है और एक इनवैलिड पेयर भी होती है एसपी मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि एसपी एक इनवैलिड पेयर है स्टिल इंस्ट्रक्शन में आ सकती है रही बात क्या फ्लैग अफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट कैरी फ्लैग सभी फ्लैग अफेक्ट होते हैं कितने इंस्ट्रक्शन बनेंगे जितनी रजिस्टर पेयर है उतनी तीन हमारी वैलिड और एक इनवैलिड तो ऐसे भी इंस्ट्रक्शन हमारे रह सकते हैं कोई भी आप एक इंस्ट्रक्शन चूज कर सकते हैं मैंने यूज किया है डीसीएक्स एच और ये एच एच एल है ये किससे पता चलता है एक से पता चलता है वैल्यू अज्यूम कर लेंगे जैसे फाइव थाउजेंड वन एच ऐसा मैंने अज्यूम किया है आप ऐसी डायग्राम भी बना सकते हैं कि देखो इस पेयर में ये स्टोर है कोई भी एक चीज चल सकती है गायस आपको दोनों बनाने की जरूरत नहीं है और आफ्टर डी सी एक्स एच क्या होगा गायस एच एल में से वन माइनस होगा फाइव थाउजेंड वन में से वन गया तो आपको तो आंसर पहले से ही पता था बाय प्रोसीजर जाना चाहते हो तो ऐसा जाओ और बराबर आंसर लिखो और उसे कन्वर्ट करो तो अब ये आंसर कहाँ पे स्टोर हो गया इस अगेन एच में ही स्टोर होगा तो ऐसा आप लिख सकते हैं अगेन रजिस्टर पेयर बनानी हो तो आप ऐसे बना के बता सकते हो तो ये हो गया हमारे एच के कंटेंट एक से डिक्रीमेंट बट इससे और कुछ चीज हुई है वो भी आपको ध्यान में रखना है एच एल जिसे पॉइंट करता है ना ये एक प्रकार का पॉइंट ही है ना गाइज एच एल फाइव थाउजेंड वन को पॉइंट कर रहा था तो वो लोकेशन एम था डी सी एक्स एच के वजह से वो एम नीचे, तो नीचे आया है मतलब आप एम की पोजिशन शिफ्ट कर सकते हैं इन इंस्ट्रक्शन का यूज करके ठीक है तो इनका हमें यूज करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में सो so, गाइज ये थे हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन के व डिक्रीमेंट के सिंपल सिंपल ही है बस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिना देखे आपको ये सब कुछ आना चाहिए प्रैक्टिस से ही इंस्ट्रक्शन याद वगैरह होते हैं तो नाम तक याद नहीं रहते इंस्ट्रक्शन के काम तो बहुत दूर की बात है ये कैलकुलेशन वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं एडिशन सब इंक्रीमेंट इवन गाइज लॉजिकल ऑपरेशन ये सब कुछ मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में ही आपको पढ़ा के रखा है तो आप वीडियो जरूर देखना जब भी आपको कंफ्यूजन होगा कि कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए इंस्ट्रक्शन के साथ तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू गाइज